नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च NIAP दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ने यंग प्रोफेशनल की कुल मिलाकर 6 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास अर्थशास्त्र कृषि व्यवसाय सांख्यिकी कृषि सांख्यिकी में मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस IT कंप्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30/1/2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ncap.res.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार में 31 से शुरू होगा पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। बिहार में COVID-19 टीकाकरण के बाद पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी से राज्य में पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत होगी। इससे पहले 17 जनवरी से पल्स पोलियो टीकाकरण शुरू होना था, लेकिन कोरोना को लेकर के शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के कारण इस तारीख को परिवर्तित किया गया है। भारत सरकार ने 9 जनवरी को ही दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कहा था कि 17 जनवरी से प्रस्तावित पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है, जिसके बाद भारत सरकार ने 14 जनवरी को जारी दिशा निर्देश में कहा कि अभी अभियान राज्य में 31 जनवरी से शुरू होगा। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 5 दिन तक चलता रहता है, यानी कि यह अभियान 4 फरवरी तक जारी रहेगा। पार्टी मीटिंग में गर्जे RCP सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह एक बार फिर से पार्टी के पक्ष में बोलते नजर आए हैं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने बीते दिन जदयू मुख्यालय में पार्टी संगठन को लेकर आयोजित बैठक में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जदयू के पास प्रदेश में निर्णायक ताकत पहले से भी थी और आगे भी रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। जदयू का संगठन हर पार्टी से अधिक मजबूत है, हर बूथ तक हमारी मजबूत उपस्थिति है। हमारे कार्यकर्ता भी पार्टी के विचारों के प्रति निष्ठा रखते हैं और दिन रात काम करने में लगे रहते हैं। हम लोग विपक्ष के दुष्प्रचार और अफवाहों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्य को भी नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है। ठंड की चादर में लिपटा बिहार। बिहार में ठंड की स्थिति दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। ठंड के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में बिहार को अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिनका तापमान 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ ने हिमालय क्षेत्र में दस्तक दे दी है, इसमें मौसम की स्थिति पर काफी असर पड़ा है। मौसमविदों का कहना है कि सुबह में उत्तरी पश्चिम दिशा से ठंडी हवा आ रही है। बांग्लादेश के आसपास चक्रवात की स्थिति बनने से क्षेत्र में झारखंड के रास्ते गर्म हवा आ रही है। इन्हीं दो तरफा हवाओं के मिलने से घने कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसमविदों ने साफ कहा है कि ऐसे समय में लोग अपने आप को ठंड से बचाकर रखें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल कोहरे की चपेट में बिहार नजर आने वाला है। बिहार में खाद कालाबाजारी रोकने की कवायद में जुटा कृषि विभाग। बिहार में खाद कालाबाजारी रोकने की जुगत में बिहार पूरी तरीके से नजर आ रहा है। बिहार में अब खाद बीज और कीटनाशी के ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं होगा। सरकार ने ऐसे लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था सभी जिलों में करा दी है। ऑफलाइन आवेदनों को 31 जनवरी तक निपटा देने का निर्देश कृषि विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिया है। तय समय के बाद भी एक भी ऑफलाइन आवेदन लंबित रहा तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पर भी 1 महीने के अंदर अधिकारी को फैसला करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, खाद्य बीज और कीटनाशक की कालाबाजारी और मिलावट रोकने के लिए कृषि विभाग सख्त हो गया है। इसके लिए डीलरों की नियुक्ति स्तर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भागलपुर का सिपाही प्रशिक्षण केंद्र बना देश के पूर्वी क्षेत्र का बेहतरीन संस्था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 जनवरी को बिहार के भागलपुर के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर देश के पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान के रूप में घोषित कर दिया है। इस संस्थान का चयन पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान के रूप में किया गया है। इस संस्थान को साल 2016-17 के लिए सिपाहियों की भर्ती के बाद प्रशिक्षण के लिए पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में पुरस्कार देने के लिए चयन किया गया है। इसकी घोषणा 21 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 3 अधिकारियों की टीम पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में आई थी। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक केरल एवं पुलिस उप महानिरीक्षक तमिलनाडु भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के स्वस्थ होने की कामना की है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि लालू जी जल्दी स्वस्थ हो जाए। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है और कहा है कि पहले तो हम फोन करके हालचाल लेते थे, लेकिन उनका जो ख्याल रखता था वो क्या क्या बोलने लगा था, इसके बाद से मैं समाचार के माध्यम से ही जानकारी लेता हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका इलाज शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, 16 बीमारियों से ग्रसित होने के कारण सभी विशेषज्ञता वाले वरिष्ठ डॉक्टरों का एक पैनल देर रात तक गठित भी किया गया है। बिहार के सभी गांवों में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिहार के सभी गांवों में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाना है। इस काम को तेजी में करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर
कलेक्टर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव और कम्फेड के अध्यक्ष डॉक्टर एन सरवर ने संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सचिव की अध्यक्षता में शनिवार को कम्फेड की 57वीं निदेशक परिषद तथा 22वीं आम सभा बिहार पशु विज्ञान विद्यालय परिसर के नए पुस्तकालय भवन में हुई है। सचिव ने इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अधिकारी सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत अगले 4 साल में सोसाइटी गठन के साथ साथ दूध संग्रहण में वृद्धि, अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना, अच्छे किस्म के सुधा आहार की बिक्री बढ़ाने आदि पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि लॉकडाउन और अधिक बारिश और बाढ़ से दूध संग्रहण में आई कमी ने अब निरंतर सुधार भी देखने को मिल रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बीच तारकिशोर प्रसाद ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अब कभी भी हो सकता है। हालांकि इसी बीच बीते दिन दिल्ली दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच खबरों की माने तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बातचीत की गई है। जानकारों की माने तो गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी भाजपा का विस्तार हो सकता है। 27 जनवरी को भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के बिहार आने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार आने से माना जा रहा है कि भाजपा ने मनोनयन से भरी जाने वाली विधान परिषद की सीटों के साथ ही उन नेताओं के नाम फाइनल कर दिए हैं जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। जननायक जयंती पर राजद कार्यकर्ता ने की मांग। दरभंगा जिले के विभिन्न स्थानों पर आज जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 57वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर दरभंगा के कर्पूरी चौक पर उनके मूर्ति पर विभिन्न संगठनों की तरफ से माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान उन्हें कर्तव्य और व्यक्तित्व के बारे में भी कई बातें कही गई। इसके साथ ही इस दौरान राजद नेता नजरे आलम ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपलब्धि से सम्मानित किया जाए। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में एक नाई परिवार में हुआ था जिसे वर्तमान में कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 महीने तक सलाखों के पीछे भी बिताए थे। बिहार में संविदा कर्मी पर सरकार ने दी सफाई। पिछले दिनों संविदा कर्मियों को लेकर मीडिया में चली खबरों के अनुसार सरकार कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। अब इसको लेकर नीतीश सरकार ने सफाई दी है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि बिहार सरकार के अधीन विभागों में नियोजित किए जाने वाले कर्मियों के संदर्भ में राज्य सरकार के निर्णय ले लिया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए लेटर में कहा गया है कि जो मीडिया में खबरें चल रही हैं वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है जबकि हकीकत कुछ और ही है। सरकार के नए प्रावधान में नियोजित कर्मियों की सुविधा में कटौती की जगह उसमें बढ़ोतरी हुई है। तांडव को लेकर शुरू हुए विवाद पर बोले रवि किशन। भोजपुरी स्टार और भाजपा से सांसद रवि किशन ने अब तांडव को लेकर अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भगवान के लिए हमारे भगवान को छोड़ दो, इसमें हमें बहुत दुख होता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने धंधे में करोड़ों रुपए कमाने के लिए कृपया हमारे भगवान को ओछाना दिखाएं। उन्होंने आगे कहा है कि जो मेकर्स धर्म को लेकर मजाक बना रहे हैं वो गलत है। मुझे पता है कि सभी मेकर्स ऐसे नहीं है लेकिन कुछ लोग हिंदू धर्म को लेकर अपनी कुंठा बाहर निकालते रहते हैं। जो निर्माता धर्म और हिंदू का मजाक उड़ा रहे हैं वो अपने धंधे के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुमार संगकारा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएल के 14वें सीजन से पहले राजस्थान रॉयल फ्रेंचाइजी टीम ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर रहे कुमार संगकारा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिसके तहत कुमार संगकारा राजस्थान रॉयल्स टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होंगे। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसकी घोषणा की है। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल का 13वां सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था और टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही थी। आपको बता दें आईपीएल के 14वें सीजन का मिनी ऑक्शन फरवरी में होना है। इसमें सभी फ्रेंचाइजीज टीमों ने अपने रिलीज्ड और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो टीम ने कप्तान स्टीव स्मिथ को इस बार रिलीज कर दिया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे संदली सिन्हा की। संदली सिन्हा का जन्म आज के दिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में साल 1982 को हुआ था। संदली सिन्हा एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल है। उन्हें रोमांटिक हिट फिल्म तुम्मिन में पिया के किरदार के लिए जाना जाता है। हालांकि फिलहाल संदली बॉलीवुड से दूर है और अपना बिजनेस संभाल रही है। भले ही इन्हें अपने अभिनय के करियर में वह मुकाम नहीं मिल सका जो इन्हें चाहिए था मगर इसे बिजनेस की दुनिया में बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 14,849 मरीजों की पुष्टि की गई है जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,06,54,533 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 155 लोगों की जान जा चुकी है जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,53,339 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 1,03,16,786 मरीज ठीक हो चुके हैं जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 1,84,408 मामले सक्रिय बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के कारण क्या जदयू भाजपा में अनबन की स्थिति देखने को मिलेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।